हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल मसाला। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डायबिटीज़, थायराइड इन सबको भी कंट्रोल करता है और ये हमारी साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं रेसिपी कटहल की। तो इसके लिए हम रेसिपी जल्दी बनाने का आइडिया आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग रेसिपी है, तो इसको हम झटपट बनाने के तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए हम दोनों अपने गैस यूज़ करेंगे। एक साइड हमने अपने कटहल को फ्राई होने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ दूसरे तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके मसाले के लिए हमने ले लिए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। इन सबको हम मिक्स करके पीस लेंगे और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से भुन जाए तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने सारे मसाले ले लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और हम इसको सोक कर लेंगे। मसाला सोक करना बहुत ज़रूरी है, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले सोक कर लिए हैं, साथ ही साथ हमारा कटहल भी डीप फ्राई होते जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला बहुत अच्छे से सोक हो गया। इसको हम डाल देंगे अपने भुने हुए प्याज टमाटर वाले पेस्ट में, और अब इसको हम थोड़ी और देर पानी डाल के और भूंजेंगे, तब तक कि इसका तेल निकलने लगे साइड से। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब करीब 2 गिलास पानी, जिससे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी पतली आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। और इसमें हम अपने डीप फ्राइड कटहल ऐड कर देंगे और इसको नमक डालकर कम से कम 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ढककर। और फ्रेंड्स, ये हमारा कटहल हो गया है पककर रेडी। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया बाद में ही डालें, क्योंकि अगर पहले से हम धनिया डाल देंगे तो इसका फ्लेवर चला जाएगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कटहल बहुत अच्छे तरीके से पककर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।